दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि आपके किसी दोस्त को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वह हॉस्पिटल पहुंचा और ये दर्द अपेंडिक्स का दर्द निकला और जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें अर्जेंट इसका ऑपरेशन कराना होगा। हो सकता है कि आप उनसे अस्पताल मिलने भी गए हों तो वहां पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो गया होगा कि पेट का दर्द भी क्या ऑपरेशन का कारण बन सकता है। दोस्तों शायद ही अपने में से कोई ऐसा हो जिसने अपेंडिक्स के दर्द या अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बारे में ना सुना हो, पर क्या आपने सोचा है कि अपेंडिक्स आखिर है क्या और अपेंडिक्स का ये दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों ये दर्द किसी को भी कभी भी हो जाता है और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको जो पेट में दर्द हो रहा है वह अपेंडिक्स का दर्द है या किसी और वजह से हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपेंडिक्स का ये दर्द क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सन 1500 में अपेंडिक्स का पहली बार साइंटिस्ट को पता चला था और तब से ही अपेंडिक्स और इसके फंक्शन पे तरह तरह की रिसर्च चल रही है कि आखिरकार अपेंडिक्स का हमारे शरीर में काम क्या है और इस अपेंडिक्स में सूजन क्यों आ जाती है। जहां कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने में इसका खास रोल है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका कोई खास काम नहीं है। अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है तो उसमें दर्द होने लगता है और अपेंडिक्स की इसी सूजन को मेडिकल भाषा में अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे पाचन तंत्र का एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया है, यानी एक ऐसा अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई खास रोल नहीं है, यानी इस अंग के बिना हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम कर सकता है। लोगों ने अपेंडिक्स को लेकर बहुत सी थ्योरी बनाई है, उनमें से एक थ्योरी डार्विन की भी है जो ये कहती है कि इवेल्यूशन के दौरान जब हमारी डाइट में हरे पत्ते घास आदि मुख्य रूप से थे तब हमारी आंतों में सीकम जो कि हमारी बड़ी आंत का एक भाग होता है वह काफी बड़ा था और अपेंडिक्स का रोल मुख्य था क्योंकि अपेंडिक्स इन घास और पत्तों जैसी कच्ची चीजों को पचाने में मदद करती थी। पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ और हम फल खाने लगे और फिर खाना पका कर खाने लगे वैसे वैसे सीकम छोटी होती गई और अपेंडिक्स का काम कम होता गया और ये अंग छोटे होते होते अब छोटी सी नली के आकार का रह गया है। पर ये थ्योरी भी अब पुरानी हो गई और अपेंडिक्स के रोल पर रिसर्च अभी भी चल रही है। दोस्तों अपेंडिक्स हमारी आंत का एक ऐसा भाग है जो एक ब्लाइंड ट्यूब की तरह होता है, यानी एक भाग आंत में खुलता है और दूसरे तरफ एंड होता है। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।